हमारे घर में हाथी घुस गए। हाथी नहीं, शेरनी। शेरनी? अरे मुझे क्यों नहीं नजर आ रही फिर शेरनी? मैं हूँ तो सही शेरनी। आप और शेरनी? अच्छा मजाक है मम्मी, आप शेरनी तो बन जाओगी, लेकिन पहले ना ये थोड़ा मोटापा कम कर लो। ये फालतू की ना बकवास बंद कर और खड़ा हो जा, चल। अरे कहाँ चल, अरे टाइम तो देखो, लो सुबह के 4 ही बजे हैं और अभी 2 बजे तो मैं सोया था। 2 बजे किससे बात कर रहा था रात भर? अरे बात किसी से नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही फोन चला रहा था। वाह बेटा, बस फोन में ही लगे रहा करो तुम तो। चल खड़ा हो जा और जाकर गोबर लिया। गोबर? अरे मम्मी सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो, गोबर लिया? कहीं आपने पापा की बची हुई शराब तो नहीं पी ली? सच सच बताना। वो तो ना पीने के लिए तेरा बाप ही काफी है, नशेड़ी कहीं का। अरे आज गोबर था ना और जाकर गोबर लिया जल्दी से। अरे तो मम्मी ये सुबह सुबह 4 बजे कौन सा गोबर मिलेगा? लाइन में लग जाइयो जाकर, आज ना लाइन मिलेगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि गोबर धन है, गोबर लेने सभी लोग आए होंगे वहाँ पर। चल खड़ा हो जल्दी। अरे मम्मी मैं नहीं जा रहा कोई गोबर वोबर लेने, पता नहीं अब कैसे कैसे काम करवाने लगी हो। तू जा रहा है या फिर बताऊँ मैं तुझे अभी? नहीं मैं नहीं जा रहा, जो आपको बताना बता लो। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मम्मी चप्पल की क्या जरूरत है, चप्पल तो मैं खुद भी पहन सकता हूँ ना, आप परेशान मत हो, जा रहा हूँ मैं। रुक जा, ले पकड़ पन्नी, इसमें भर लियो। ठीक है जा जल्दी जा। हनी कैसी मम्मी बल्ले पड़ गई है। अरे बहुत अच्छी मम्मी मिली है, भगवान का शुक्र करो। अबे यार मम्मी को भी चैन नहीं है, सुबह सुबह गोबर लेने भेज दिया, ऐसे कोई करता है क्या अपने बच्चों के साथ? अब अकेले जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, हल्के को भी बुला लेता हूँ। हेलो हल्के। हाँ भाई पंकज बोल, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों करा? अरे हल्के तू ना मुझे मेरे घर के पीछे वाली मार्केट में मिल, तुझसे बहुत जरूरी काम है। अबे यार सुबह सुबह क्या जरूरी काम है, मैं नहीं आ रहा। मेरी ना लॉटरी लग गई 5 करोड़ रुपए की। क्या बात कर रहा भाई पंकज, 5 करोड़ की लॉटरी? भाई देख मैं तेरा दोस्त हूं ना, 2.5 करोड़ मुझे भी देगा ना? अबे तेरे 2.5 नहीं, तेरे तो 3 करोड़ दूंगा तुझे, तू बस जल्दी आ। अभी आया भाई ना, मैं हल्का काम है फलका। ये तो आ रहा है, अब आएगा मजा। एक काम करता हूँ स्वीटी को भी बुला लेता हूँ। हाँ हेलो स्वीटी, एक काम कर जल्दी से ना मुझे मेरे घर के पीछे वाली मार्केट में मिल। पंकज क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हो, मैं नहीं आ सकती। नहीं आ रही ना, ठीक है मत आ, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है, मैं उसमें से तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या लॉटरी, तो उसमें से मुझे भी पैसे दोगे ना तुम? अरे हाँ हाँ दूंगा, तभी तो तुझे बुला रहा हूँ, तुझे मैं पूरे आधे दूंगा, 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है तो फिर मैं अभी आ रही हूँ। अब आएगा मजा। हाँ भाई पंकज आ गया मैं। वाह। हाँ और मैं भी आ गई, चलो अब जल्दी से पैसे लेने चलते हैं। चलो हाँ हाँ चलो चलते हैं। ओए ओए एक मिनट, ये पन्नी लेके कहाँ जा रहा है, पैसे लेने जा रहा है ना या भंडारा लेने जा रहा है? मुझे पता है, इसमें हम लॉटरी वाले पैसे लेकर आएंगे, है ना पंकज? अरे इसमें लॉटरी के पैसे नहीं बल्कि गोबर लाएंगे। गोबर लाएंगे? अबे पंकज ये कैसी बात कर रहा है, तूने तो कहा था पैसे लेकर आएंगे। अबे यार हल्के आज गोबर धन है, मम्मी ने गोबर लाने को बोला है। ऐसा है ना, तू जा और गोबर लेकर आ, हम जा रहे हैं अपने घर। अरे यार अब आई गए हो तो चल लो यार साथ में। नहीं जी हम तो अपने घर जा रहे हैं। ठीक है जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोगों को गोबरिया हो गया तो मुझे मत कहना बाद में। गोबरिया? ये क्या है? जो लोग अपने दोस्त के साथ ना गोबर लेने नहीं जाते उन लोगों को गोबरिया हो जाता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें जो दोस्त होते हैं उनकी शक्ल गोबर जैसी हो जाती है। ऐसा है ना, तो मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ जाओ जाओ तुम दोनों, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी शक्ल तो पहले से ही गोबर जैसी है। हाँ शक्ल तो तेरी है गोबर जैसी, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, मेरे साथ गोबर लाने में ना तेरा एक और फायदा है। क्या? जो भी पतला इंसान अपने दोस्त के साथ गोबर लाने जाता है ना वो बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। भाई ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं,
तू सच बताया, सच में ऐसा होता है क्या? अबे होता है यार, तू मान क्यों नहीं रहा? तू देखियो, तू जैसे ही मेरे साथ गोबर लेके वापस आएगा ना, तेरा शरीर खुद बे खुद तगड़ा होता चला जाएगा ऐसे, बिल्कुल बॉडी बिल्डर। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो भाई मैं भी चलता हूँ, वैसे ही मेरा सपना था बॉडी बिल्डर बनने का, तुझे जानता ही है नाम है हल्का काम है फलका। चलो चलो चलो। जा भाई पंकज उठा ले गोबर। अरे कहाँ से उठा लूँ गोबर, अरे अभी तो किसी गाय भैंस ने गोबर करा ही नहीं है, इतनी सुबह सुबह तो ये आराम कर रही है अभी सारी की सारी। वेट करो। अरे तो गुस्सा करके करेगी भी क्या हा? अरे गाय भैंस तो अपनी मर्जी से ही करेंगी ना गोबर। काम करते हैं, इस हल्के को ही पानी में डाल के ले चलते हैं, ये कौन सा गोबर से कम है? नाम है हल्का काम है फलका, पंकज समझा ले इसको, बता रहा हूँ। अच्छा क्या कर लेगा तू मेरा? इसी गाय के गोबर के नीचे दबा के मारूंगी तुझे। अरे बस करो यार, अरे एक तो कोई गाय भैंस गोबर नहीं कर रही है, ऊपर से तुम दोनों लड़के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ वापस चलो, बाद में आएंगे। अबे बाद में है ना, मम्मी मुझे यहाँ आने के लायक नहीं छोड़ेगी समझा, तो गोबर तो लेकर जाना ही होगा। लेकिन ये गाय गोबर भी तो नहीं कर रही है। भाई मुझे लगता है ना ये गाय भूखी है, इसलिए सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसको कुछ खिला देते हैं। हाँ एक काम करते हैं, मैं इनके लिए अभी चिप्स लेकर आती हूँ। चिप्स लाएगी तू इस गाय के लिए और चिप्स खा के तुझे लगता है ये गोबर कर देगी? हाँ मेरे भाई को चिप्स खाते ही दस्त लग जाते हैं, पूरे दिन पॉटी करता है वो, ये एक बार तो कर ही देगी। अच्छा पर मुझे लगता नहीं है तेरा चिप्स वाला आइडिया काम करेगा, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जा लेकर आ चिप्स, देखते हैं। अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह ये तूने सही करा, इसको जेब में रख। ये तो खा ही नहीं रही, अब क्या करें? भाई मुझे लगता है ना इसका पेट भरा हुआ है, इसको ना गर्म पानी की जरूरत है, जब मेरे पापा को पॉटी नहीं आती ना वो भी गर्म पानी पीते हैं, तो एक काम करते हैं चलो इसके लिए गर्म पानी लेके आते हैं। अरे लेकिन अब गर्म पानी लाएंगे कहाँ से? कहाँ से का, तेरे घर से? मेरे घर से? अब मेरा घर इतनी दूर है ना, और घर पे बिना गोबर लिए चले गए ना तो मम्मी इतना मारेगी ना, याद रखेंगे तीनों हम। अरे यार तुम दोनों से ना कुछ नहीं होगा, तुम दोनों यहीं रुको मैं लेकर आता हूँ, नाम है हल्का काम है फलका। हाँ जल्दी आइयो। पंकज नाम है हल्का काम है फलका। अरे वाह भाई वाह, पियो। पंकज ये तो पानी भी नहीं पी रही, अब क्या करें? वो पंकज सुन सुन सुन, तुझे पता है जब बचपन में मुझे सूसू नहीं आती थी ना तो मेरी मम्मी सीटी मारा करती थी, और उनके सीटी मारते ही ना सूसू के साथ मुझे पोटी भी आ जाती थी। अबे तो तू हमें ये सब क्यों बता रहा है? अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भैंस भी सीटी मारने से गोबर कर दे। अबे हल्के तू 100-200 ग्राम पागल है क्या? अबे भाई ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। अबे ठीक है एक काम कर, तू ही ट्राई कर ले, कर। हाँ हाँ ठीक है। मिल गया गोबर। अरे यार वो पंकज हो रहा गोबर। अरे ये तो मुझे आते ही दिख गया था। अरे आते ही दिख गया था तो तूने बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि तुझे ताजा ताजा गोबर चाहिए, ये बासी वाला गोबर नहीं। अरे गोबर तो गोबर है ना, क्या फर्क पड़ता है ताजा या बासी। चलो चलो लेके चलते हैं, आ जाओ। जल्दी से पन्नी में गोबर भर। मैं क्यों भरूं? एक काम कर छुट्टी तू भर ले। मैं कैसे भर सकती हूँ? नहीं नहीं मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तू भर। हाँ और क्या, और वैसे भी गोबर तो तेरी मम्मी ने मंगाया है ना, तो तू भर जाके। अब ये तो घूम के मेरे पास ही आ गई, अब क्या करूँ? हल्के
तुझे पता है जो भी पन्नी में गोबर भरता है ना वो तंदुरुस्त हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या बात कर रहा है पंकज? हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, और अगर तुझे मोटा नहीं हो ना कोई बात नहीं मैं भर लेता हूँ। नहीं 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 ला पन्नी ले ला, मैं भरता हूँ। तुम भरू कैसे? हाँ आइडिया, तुम यहीं रुको मैं अभी आया। वाह हल्के तू तो बहुत समझदार है। ओके भर गया तेरा गोबर। हाँ चलो चलो घर चलते हैं। चल चलो। मम्मी ये लो आपका गोबर। है मेरा गोबर? अरे मम्मी वो गोबर जो आपने मंगवाया था गोवर्धन की पूजा के लिए। और अब जल्दी कुछ खाने का बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ आंटी भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। हाँ आंटी जी मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तुम दोनों सुबह ही सुबह आ गए? आपका ये लड़का ही हमको लेके गया था गोबर लाने के लिए। अरे तुझसे कोई काम अकेले होता है या नहीं होता? नालायक अपने दोस्तों को सुबह ही सुबह बुला लेता है। अरे मम्मी तो क्या हो गया बुला लिया तो? आप ये सब छोड़ो खाना बना दो। खाना अभी नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा दोपहर के बाद। ए यार ठीक है तो आप गोवर्धन बना लो हम देख लेंगे। अरे ये भी मुझे दोपहर में बनाने हैं। अरे तो इतनी सुबह सुबह गोबर क्यों मंगवाया हमसे? अरे ऐसे ही ताकि सुबह सुबह गोबर घर में आ जाए, और देखो तुम लोगों की मॉर्निंग वॉक भी हो गई। अरे यार मम्मी तो हम शाम को ले आते गोबर। क्यों शाम को? तेरे बाप की शादी है। अरे यार बस काम करवाती रहती हो मम्मी। पंकज मैं अभी आया। हाँ पापा। हाँ बेटा कहाँ है तू सुबह से? अरे पापा पंकज के घर पर हूँ, वो गोबर लाना था ना गोवर्धन के लिए। अरे तो अपने घर का गोबर कौन लाएगा? हाँ और तू तो जानता है ना रोजाना सुबह 10 वाला बीड़ी का बंडल फाड़ता हूँ और तेरे जैसे कितनों को मारता हूँ। हाँ पापा पता है। हाँ तो जल्दी गोबर लेकर आ घर पे। हाँ पापा आता हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ। अच्छा पंकज भाई मैं चलता हूँ, वो मेरे पापा का फोन आया है। ठीक है भाई बाय, और थैंक यू गोबर में मेरी मदद करने के लिए। हाँ हाँ चल निकल यहाँ से अब। अरे यार गोबर तो वहाँ था ही नहीं, थोड़ा सा गोबर था और वो भी बहुत मुश्किल से मिला था। और अगर गोबर घर लेकर नहीं गया तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया। हाथ खड़े कर लो सब। अरे भाई साहब कौन हो आप? मदारी हूँ, खेल दिखाने आया हूँ। अच्छा तो दिखाओ ना। दो लड़की चुप रहे, दिख रही रहा चोरू में। अरे चोर भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं और हम तो पैदाइश गरीब हैं, हमारे रिश्तेदार गरीब हैं, हमारे दोस्त गरीब हैं, हमारा खानदान गरीब है। हाँ हाँ चोर बेटा ये बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, हम बिल्कुल गरीब हैं। मुझे कोई हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आज के दिन सबसे महंगा है, गोबर। क्या आपको गोबर चाहिए? देख गोबर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता तेरे को। गोबर नहीं दोगे ना मैं हल्का काम है फलका। सुना सुना लग रहा है हल्के, तू हमारे घर में चोर बन के आ गया। अरे पंकज भाई तूने मुझे पहचान लिया? मैं तो मजाक कर रहा था। देखा मैं तुझे पहले ही कहती थी तेरे दोस्त एक नंबर के चोर है, इनका साथ छोड़ दे। और तुझे तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आंटी तुमने मार लिया, अब घर जाऊंगा तो पापा भी मारेंगे, इससे अच्छा मैं घर ही नहीं जाता, यही पूजा कर लूंगा। और पापा का फोन आएगा तो उनको बोलूंगा वो भी यहाँ आके पूजा कर ले, गोबर नहीं मिला। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बच्चों गोवर्धन मनाते हैं, आ जाओ पूजा करते हैं साथ में। चलो चलो। पंकज ये उठा ला थैली। पंकज चलो जल्दी जल्दी बनाओ गोवर्धन। अरे मम्मी ऐसे कैसे, लाओ पन्नी दो। हैं पन्नी का क्या करेगा तू? अरे हाथ में पहन के तब बनाऊंगा ना गोवर्धन महाराज। चुपचाप हाथ से बना ले, दू तुझे अभी पन्नी। अरे तो मम्मी फिर आप भी मदद करवाओ। हाँ हाँ करवा तो रही हूँ मैं मदद, तुझे बता कर। अरे नहीं ऐसे दूर वाली मदद नहीं, हाथ से बनवाओ हमारे साथ। मैं क्या हाथ लगाऊं पंकज, मैं तुझे बता तो रही हूँ।
अरे मैंने भी अपने बचपन में बहुत हाथ लगाए हैं, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम अपने बच्चों को सिखा सको। तो चल बना इसे। अरे वाह आंटी जी, फ्यूचर की बहुत सोचती हो आप तो। हाँ बेटा सोचनी पड़ती है। चलो चलो अब काम पे लग जाओ तीनों जने। हाँ बना रहे हैं। हाँ चलो, मेरी इतनी मेहनत के बाद आखिर गोवर्धन महाराज जी बन ही गए। हाँ मम्मी सही कह रही हो, सारी मेहनत आपने करी है, हम तीनों तो पागल हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है तुम तीनों पागल हो, कुछ नया बता। अरे मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। हाँ तो मैंने कब का, मुझसे बहस कर। अरे यार मम्मी आप छोड़ो सर, हमें खाना दो। अरे पहले गोवर्धन महाराज जी के हाथ जोड़ लो, चक्कर काट लो, इनके पैर छू लो, फिर चल के खाना देती हूँ। अरे बस बस अब बाकी पूजा ना शाम को करेंगे। ठीक है चलो खाना खाते हैं। बस हमें और नहीं खाया जाएगा क्योंकि आलू की पूरी और सब्जी मस्त बनी है। हाँ आंटी जी मजा आ गया और पूजा भी अच्छे से हो गई। ओए हल्के, यहाँ जवान चलाने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से, बहुत हो गया अब तेरा। अभी चला जाऊंगा आंटी जी, लेकिन उससे पहले मेरा पंकज और स्वीटी का प्लान है। क्या प्लान है वो अभी नहीं बता सकते हम। मम्मी वो थोड़ा सीक्रेट है ना, तो छोड़ो ना। चल हल्के, चल स्वीटी। जा कहाँ रहे हो तुम तीनों ये तो बताओ। अरे मम्मी बस छत पे जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम लोग। चलो चलो चलो। मुझे ना इन तीनों पर शक हो रहा है, ये जरूर कुछ ना कुछ कांड करेंगे, चलकर देखती हूँ मैं भी। अरे पंकज ये तू क्या कर रहा है, ये गोबर कहाँ से आया? तूने तो मुझे सारा गोबर दे दिया था ना, ये एक्स्ट्रा गोबर कहाँ से आया? अरे मम्मी ये हमने अपने लिए बचाया था। अपने लिए? अबे तू खाएगा क्या इस गोबर को? अरे मम्मी आप बस देखते जाओ। पंकज ये तू क्या कर रहा है? अरे मम्मी आप बस देखते जाओ।